नमस्कार धर्मराज अध्याय को आपमन को स्वागत करुच्ची मो रमा बल्लभ। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ जो अनुषित हुए माघ मेला एवं ये माघ मेला दर्शन करने ओडिशा राज्यर कोण अनुकोण लोक मैंने आसती तो सहित तो सर्वभारतीय स्तर जात्री मान समागम ये क्षेत्र को होता है। कारण यह एपरी एक स्थान जो स्थान भारत बर्षर तथा भारत बाहर अनेक साधु सतर सम्मिलन होता है एकत्रित होता ए स्थान आसी अवस्थान करती धूनी जालतीक निकट को भक्त मैंने सत्संग करने साधु सेवा करने आसी पहुँचती सेवाकर सेवा आनंदर जो उच्छ्वास ता आशीर्वाद ही झरी पड़े एवं लोक मैंने से आशीर्वाद यू संग्रह कर ग्रह नक्षत्र एकदशताम भो ओ गणान गणपति गुं हरामहे प्रियाण प्रियपति गुं हरामहे निधि गणपत आसन स्वाहा गणपत पादासन स्वाहा गणपत पाद्यम स्वाहा गणपत अर्घ्यम स्वाहा गणपत दीपं स्वाहा गणपत धूप स्वाहा गणपत आज तरुणी गम स्वाहा ओं गणानंता गणपति गुं हरामहे प्रियानंता प्रियपति हरामहे निधीनंता निधिपति हरामहे वसु मम स्वाहा इदं गणपत ओं आकृष्ण रज सवर्तमान निवेशन मूर्तमत्यं चिरंजन सरिता रथेन देवयाति भुवनानि पश्यं स्वाहा इदं सूर्यनारायणाय ओं तद्रेशो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा तदं स्वाहा श्रीविष्णुवे ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृथिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतोर्मुखीयमृतात् स्वाहा सदाशिवाय ओं उतिष्ठापुरुषे किं सुपीषे भयमेतमुपासितं हरी सत्यं सत्यं ओं दों दुर्गे भगवते समय स्वाहा इदं जय दुर्गाये ओं उग्रं वीरं महाविष्णो ज्वलन्तं सर्वतामुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इदं लक्ष्मी नृसिंहाय ओं मातुश्वरे ओं उतिष्ठापुरुषे किं स्तुतिषे भयमेशमुपासितं यदि सत्यं सत्यं ओं दों दुर्गे भगवति समय स्वाहा तिथेश्वरी मारभुजि देवे वासुदारभुजि आसन स्वाहा पादासन स्वाहा पाद्यं स्वाहा अर्घ्यं स्वाहा दीपधूपाद्यतनैवेद्यं स्वाहा प्राणेश बनेश गणेश धर्म स्वाहा ज्ञानाय नमः धर्माय नमः वैराग्याय नमः ओम भक्तिपद भक्त ए धुनी पीठरे उपस्थित अच्छा बाबा भैरवानंद जे कि भैरव कुंडर आसीचार संत ओडिशार सन्यासी एवं सामाजिक संस्कार क्षेत्र में बहुत अवदान रही विभिन्न कार्यक्रम आम पूर्व देखीचे तेब ये जो खंडगिरी मेला अवसर से उपस्थित अच्छा सहित किसी आलोचना करवा समाज प्रति कौन बार्ता रही लोक मान प्रति कौन कथा रही सबको शुणा बाबा प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम आपको रथयात्रा समय देखू ये खंडगिरी मेला समय भी आसती विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान सहित भी आप जड़ित रही तेरे ये जो खंडगिरी मेला ये खंडगिरी मेलार तात्पर्य कौन आप कहीं आस माघ सप्तमी दिन सूर्यंकर विशेष पूजा हुए सूर्यंकर जन्मदिन सूर्य जयंती सूर्य को आम आराधना करती आम शक्ति पाती भारतीय मानकर सबुठ आराध्य देवता है सूर्य से आम साधु संत परंपरा आम गाँ गहली भी आम समस्त भितर रही कथा आम जदि प्रातः
जो ब्रह्म मुहूर्त रही प्रातः रही सूर्य उदय रही सूर्य उदय पूर्व जो मैंने स्नान कर सूर्य को उदय सूर्य को दर्शन करती कि उदय सूर्य को अर्घ्य दिंती तांकर सामान्य प्रार्थना करती सेत बेले अशेष फल मिलता है। ठीक से सूर्य को जदि आम चंद्रभागे माघ सप्तमी राति षष्ठी राति सप्तमी सका भोर आम जदि स्नान कर प्रस्तुत हो सूर्य उदय को दर्शन करवा अर्घ्य दवा ताले बहुत आनंद तो मिलता है तत्णात किंतु ये जो कार्य जीवन सारापाई बा जगत पाई सूर्य को आराधना करने गोटे बार्ता जाए आमर सूर्य के प्रकार श्रेष्ठ आराध्य जा हूँ से सूर्य को माघ षष्ठी राति सप्तमी सका आम चंद्रभागे कार्य सारी से दीप आसिकी सप्तमी दिन खंडगिरी रे एटी दीर्घ अठाईस वर्ष होगा यही जगार यही धुनि वैदिक रीतिमत आम धुनि यज्ञ चली चल मूल कारण हूँ ये क्षेत्र गोटे अति पवित्र क्षेत्र कहार अर्थ एटी असंख्य साधु असंख्य आत्मा साधारण मानव एटी आसी तपस्या कर परम पद लाभ कर परम पद अर्थ आत्मा को परमात्मा सहित से मिसाई पार्टी अनेक साधु सिद्धिलाभ कर आवश्यक जो देवता से आराधना करते तपस्या करते से देवता द्वारा पाई फल देवता कृपा ये बहुत तार निदर्शन रही जमी पहाड़ उपरे जल ना साधु तपस्या करके आकाश रु गंगा को आणी उपस्थित करी द्वादशटी जल राशि थिले आज केतोटी सुप्त केतोटी जाग्रत आम सामना को गले पाखरे आम जदि कई घंटा समय दबा सब बुले आसी पारिबा देखिबा अवस्था कौन जा सब तांकरी कीर्ति आम परंपरा ये से जो परंपरा को से माने स्थापना करी सूर्य को ये जब उपासना करा जाए खंडगिरी रे तपस्या करा जाए यज्ञ करा जाए अन्नदान वस्त्रदान बा जो धर्म विषय आलोचना एठी प्रतिदिन वैदिक मतरे श्रीमद् भगवत गीता पाठ होती प्रति मूल मंत्र रे पाठ होई कि भगवत नमते भगवते वासुदेवाय सुहा चली चंडी देवी जहाँ को कही महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती की देवी की आराधना कराए चंडी पाठ होती सब गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा जिते देवादेवी आमर वैदिक मत में पूजा बद्रीनाथ रामनाथ द्वारिकानाथ जगन्नाथ सबू देवता आम गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा नवग्रह दश दिगपाल द्वादश राशि सतैश नक्षत्र पंच महाभूत भूमि जल अग्नि वायु आकाश स्वर्गर देवराज इंद्र देवशिल्पी विश्वकर्मा देववैद्य धनंतरी देवसेनापति कार्तिकेय ये सब देवता मूल मंत्र प्रतिदिन आहुति हुए ए आहुति हमारे मूल कथा हूँ संसार को ब्रह्मा सृष्टि करचंती ये ब्रह्मांकर सर्जना ये सत्ययुगर जो ब्रह्मा टी सर्जना कले सत्ययुगर धाम बद्रीनाथ सत्ययुगर तीर्थ पुष्कर जे कि राजस्थान अच्छा जो भी ब्रह्मांकर मंदिर अच्छी विराट ब्रह्म सरोवर अच्छी राजस्थान से तीर्थ करते सत्ययुगर जाते ब्रह्मा से यज्ञ करी सारा संसार को आपण को आम को दुब ठार दारू पर्यते गचकतु मछ पर्यते सारा जग जीवजगत को सृष्टि करज्ञ करी सेठी भी से निर्देश दे यज्ञ कर यज्ञ कले देवता माने बिना इच्छा रे तुम आवश्यकता पूरण करे यज्ञ कले गीतार भी भगवान कहते वृष्टि हम वृष्टि हेले शस्य हम शस्य हेले जीवजगत शस्य खाई शांति रे संसार रही चली पारे खाद्य जदि अभाव जीवजगत व्यथित होतीपाई वृष्टि यज्ञ सहित वृष्टि वृष्टि सहित शस्य शस्य सहित प्राणी सब उत्तप्रोत भाव जड़ित तो से दृष्टि यज्ञ कले वैदिक वेद मंत्र रे से जो वेद मंत्र वेदर कहते धुनि बेई ब्रह्म ब्रह्म बेई धुनि ये जो वेद मंत्र ध्वनि द्वारा जो आहुति दि जाऊँगी जो स्वाहा कह देवता मूल मंत्र स्वाहा तू खा आम छुआ जीमती माँ खुई दौची सरकम साधु सन्त ब्राह्मण पंडा पढ़िहारी वेद मंत्र मध्यम से देवता यज्ञ कुंडे अग्नि अग्निमुखी देवता देवता को आम एत खाद्य दौरान एत नैवेद्य दौरान किंतु से सीधा खाऊँ ये केवल अग्नि मध्यम देवता मानले अग्निमुखी ये अग्निमुखर से भोजन करी एवं से यज्ञ मध्यम ही
समृद्धित बलवान होती शक्ति बढ़ी थाए तो से दृष्टि आम जदि देवता मान यज्ञ मध्यम समृद्धित करवा तेल देवता मैंने आम बिना इच्छा आमको निश्चित समृद्धि करेंगे बामर मानविकता को जाग्रत करेंगे संसार मानविकता रही पार यज्ञ केवल जे शस्यपाई हूँ वृष्टिपाई नुहे ये जलवायु वायुमंडल को आम विभिन्न मध्यम अनेक मध्यम दूषित करश्वास ना योग्य नुहे बर्तमान केवल यही यज्ञ मध्यम यज्ञ जो समिध दि जाऊँ नड़िया दि जाऊँ घि दि जाऊँ काजू किशमिश चेरिकुली केते प्रकार द्रव्य झुणा महु फल जिते नैवेद्य हो सब दि जाऊँ तार जो धूम्र बाहर से धूम्र द्वारा जय वायुमंडल को से शुद्धि करुच्ची तो से कारण तत्णात फल पाइबापी आमको यज्ञ मध्यम वायुमंडल को शुद्धि करते पड़ो ताठू जरूरी यज्ञ भाईचारा बा मानविकता जाग्रत करने सुंदर मध्यम जदि यज्ञ जो होता है जेड़ बड़ लोक हो जो जातिर हो जो धर्मर हो जो बयसर भी हो ता गोटे स्वतंत्र अनुभव होता है आम देखीचु केमें सब प्रकार जाति सब लोक सहित मिसीचु बहु मुसलमान भाई आम सांग अच्छा सहित भी संपर्क बहुत ख्रीस्टियान भाई भी आम सांग अच्छा सहित संपर्क अनुभव को आम ये करें भी रथ जात्रा जाती बड़ दांड में आमर तो शरदा बाल्य धुनि लगे गुंडीचा दिन रु बाहुड़ा पर्यंत बाहुड़ा दिन सबुठ बड़ धूपकाठी महाप्रभु पंदर फुटिया पर्यंत दि आम द्वारा सेवा दी सेवा पाई एथर भी कोविड द्वारा समस्त की बारण सत्ते सिंहद्वार आमको धूप दबार महाप्रभु कृपा देखते कृपा ये संभव हो जो धूप द्वारा यज्ञ द्वारा यज्ञ जो गुगुल कतरु अनेक प्रकार झुणा मऊ दौरान से धूम्र जल वायुमंडल को शुद्धि करने सहित आम भितर भाईचारा सृष्टि करुच्ची यज्ञ को समस्त आदर रही कारण आम समस्ते यज्ञ मध्यम ही सृष्टि जे जो जातिर हूँ जे जो धर्मर हूँ जे जो कूलर हूँ जे जो अवस्था भी था केवल यज्ञ मध्यम आम समस्त उत्पत्ति तो से दृष्टि आम ब्राह्मण साधु सारा समाज यज्ञ करवा जो यज्ञ होम समस्त जहाँ हो जो प्रकार हो उपस्थिति सहित सहयोग भी दरकार कारण यज्ञ समृद्धि हो यज्ञ द्वारा भाईचारा मानविकता निश्चय स्थापन हो पार कूलर श्रेष्ठ होती साधु सैन्य सांबादिक गोटे समाज को गोटे देश को सुरक्षा ये देश को मुख्यतः देवभूमि भारत को सुरक्षा देवाई एक नंबर साधु दुई नंबर सैन्य तीन नंबर सांबादिक एंकर पवित्रता दरकार एंकर सच्चोटता दरकार एंकर निष्ठा दरकार एम द्वारा संसार मंगल पाई चेष्टा भी दरकार एम बहु कष्ट सही सबु आगर सब जगार था से जो क्षेत्र भी हो साधु सैन्य सांबादिक सबु अनुकूल प्रतिकूल सबु अवस्था सबु स्थिति देशर एवं देश सीमार सबु बेले जाग्रत था से भी आम अनुरोध भेषरु भगवान आमको मिलवा नहीं आम भागवरु आमको भगवान कृपा हम से कृपा लाभ करने आम निजुक समर्पित दबा से भगवान भी कही अर्जुन तो पचार प्रभु किमें चल ना भगवान कही सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरण ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्य ही स्वामी मामसुच अर्जुन जिते जुग कहली भूरी जा केवल यही गोटे को धर तुम पाखर शरण आसी जा जदि आम आम यज्ञ पुरुष पाखे आम इष्ट पाखे निजुक समर्पित दबा तेने आम जदि समर्पित हो जा सी आम योगक्षम कौन खाइबा कौन पिंधा कौटी रहा केमी रहा कौन हम सी निश्चय निर्णय करे एवं आम कर्म अनुजाई निश्चय फल पाइबा सुख दुख कहारी को न दिंती कही निज कर्म भोगपाई प्राणी निजे दायी आम निज कर्म भोगपाई आम भी दायी रहा दायी भी रही से भारतीय मूल मंत्र भारतीय जोटा भी करती अनेक थर चिंता करती बुद्धि विचारी कार्य कले विपद न पड़ भले से भारतीय करती जोटा डरती ना आ डरती जोटा करती ना जाओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माँ बाहर बार भोजी आम समस्त की सदबुद्धि दिंतु आम समस्ते शांति माँ प्रभु
सूर्य नारायण समस्त की शक्ति दिंतु एवं समस्त की सद्बुद्धि दिंतु। जय जगन्नाथ। शांति 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 शांति। चलित बर्ष खंडगिरी जो यात्रा पड़िया को अनेक नागा सन्यासी आगमन होती तो आगर अनेक नागा सन्यासी आसुले मझे किसी वर्ष धरी से नागा सन्यासी मैंने ये देखा जा ना जो नागा सन्यासी मान कहुए कि जो मानक पिंडदान कर सन्यासी निज को निजे पिंडदान कर सन्यास ग्रहण करता भितर जड़े सन्यासी आसी पहुँचुंट काशी जहाँ को चंदन बाबा कहुच्ची एवं जे कि यात्रा पड़िया रे गोटे गोड़े ठिया है से लोक मानक आकर्षित कर लोक मैंने प्रति ये दृश्य देखिक आकर्षित होती दीर्घ समय धरी से गोटे गोड़े ठिया होता पचारा जे से कहीं एपरी कर जो साधना द्वारा से कौन करने चाहते आसतु तुम शुणा। हाँ बाबा जी, ये जो एक पैर में आप खड़े रहते हैं वो क्यों आप ऐसे खड़े रहते हैं? ये हमारी हठ योग तपस्या है। ये जो हठ योग तपस्या में आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये कम से कम 30 साल हो गए। अभी ये जो तपस्या के टाइम में आप एक पैर में खड़े होते हैं, ये अभ्यास कब से शुरू किया आपने? 3 कुंभ हो चुके हैं। आप काशी से आए हैं, काशी विश्वनाथ से? काशी हमारा अखाड़ा है और गुरु आश्रम मेरा हरिद्वार है कनखल में। बहुत सारे लोग आपको देख के आते हैं, आपको स्टैंडिंग बाबा बुलाते हैं, तो आप उनके ऊपर जो आशीर्वाद करते हैं, कुछ लोग आते हैं परामर्श लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप उनका क्या आशीर्वाद करते हैं? जो गुरु कृपा से और ईश्वर की सहमति से जो मुझे ये भभूत उठा के दे देता हूँ, ये मेरी तपस्या का फल है। और मैं तो कुछ नहीं जानता, करने न करने वाला ऊपर वाला है, जैसे माध्यम है हम आप। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तू इन्हें मारेगा तो मरना है, इनको नहीं मारेगा तो मरना है इनको, तू तो खाली एक माध्यम है, वही माध्यम हमें। आप इतने सारे विभूति क्यों लगाते हैं और क्यों बांटते हैं? ये हमारा दोनों टाइम का सिंगार है, दोनों मीटिंग का, जो भी ये भभूति रमाता है। ये विभूति का सिग्निफिकेंस क्या है? ये विभूति ये हमारे गुरु बताते हैं ये भभूति शांति का प्रतीक है और ऑटोमेटिक इसके प्रभाव से ध्यान समाधि बहुत सारे आ जाते हैं, मन की स्थिरता भी आती है। तो लोग ये जो विभूति लेते हैं वो उनको लेके क्या करेंगे? इसमें हमारा तपस्या का फल है, ये हमारी, ये तुम आप इसको मामूली भभूति समझ रहे हो, ये हमारा देवता है, ये हमारे लिए देवता है। और लोग बताते हैं कि हम लोगों ने भी सुना है कि जो नागा सन्यासी होते हैं वो उनके जो पिंडदान करके आते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम लोगों का एक तो पहला, जैसे ब्रह्मचारी के बाद महापुरुष बनाते हैं, महापुरुष के बाद अवधूत बनाते हैं, अवधूत के बाद नागा सन्यासी बनाते हैं, नागा सन्यासी के बाद श्री दिगंबर की उपाधि दी जाती है। अच्छा, तो नागा सन्यासी बनने के बाद वो साधना को देख के उनको दिगंबर से ये दे। और ये संस्कार होने के बाद कोई भी सन्यासी का पिंडदान, कुटुंब का पिंडदान कर दिया जाता है और उसका स्वयं का पिंडदान कर दिया जाता है। लोग बताते हैं जो सन्यासी होते हैं उनका घर नहीं होता है, लेकिन संसार उनका घर है, संसार के लिए वो सोचते हैं। आप अभी संसार के लिए क्या सोच रहे हैं? अब ये संसार के लिए तो कर रहे हैं, ये तपस्या हम किसके लिए कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो हमें दक्षिणा देगा हम उसका भला करेंगे, जो नहीं देगा उसका नहीं भला करेंगे, हम तो सभी का भला कर रहे हैं। आप ये जो यात्रा में आते हैं, भारत में ऐसे कौन कौन स्थान पर जाते हैं? हमारा पूरे भारत में कहीं भी हम जा सकते हैं और किसी से सवाल कर सकते हैं, ये हमारे पास अखाड़े से अथॉरिटी होती है। वो आपको दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि वो गुरु सिक्का कहा जाता है, उसके दर्शन
साधारण नहीं कराए जाते, वो हमारे पास उसका जैसे एक हम एक जूना अखाड़े के जमातिया महंत हैं, हमें किसी भी महात्मा से अधिकार पूछने का हक है कि तुम नकली हो कि असली हो। हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और किसी भी अधिकारी के पास जाने का अधिकार है। ये जो जत्रा इधर आए, ये पहली बार आप आए हैं? जी हम पहली बार आए। ये जगह आपको कैसा लग रहा है? अच्छा जगह तपोस्थली है, ये जगह तपोस्थली है, आज की नहीं सनातन से अनादि काल से। यहाँ तो एक वैसे भी तपस्या का एक वाइब्रेशन है जो आपको खींच लेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बौद्ध जैन कीर्ति पाई प्रसिद्ध खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ आज सनातन हिंदू धर्मर साधु मानकर समागम परिपूर्ण। चलित वर्ष यात्रा एत आडंबर सहित अनुष्ठित न होउथिले मध्य, यात्रा पड़िया रे कोनोसी दुकान बजार व्यवस्था नथिले मध्य, लोक मानकर सुअ छुटिछि। कारण एठी साधु संत माने आसी निजर आस्थान जमेइछन्ति, धूली बा धुनी को सेमाने प्रज्वलन करुछन्ति एवं से धुनी रो जो बासना ताहा ए समग्र अंचल को महकई दौची। ता सहित साधु मानकर जो ध्वनि, से ध्वनि एवं धुनि ए उभयर प्रभाव एठी दिव्य भाव रे अनुभूत होउची एवं से उद्देश्य रे लोक माने एठी के आसुचंती, साधु मानकर संगति लाभ करुचंती एवं सेमानकर सेवा करुचंती एवं प्रतिदान रे साधु माने सेमानंकु आशीर्वाद प्रदान करुचंती, जो आशीर्वाद तांकु संसार कामना रे साहाय्य करुची, तत्सहित ईश्वर अभिलाषा को पूर्ण करिवार मध्य समर्थ होउची। तबे आज अध्याय को एट शेष करुचु, पुणी साक्षात हेबा आगामी अध्याय रे, से पर्यंत विदाय दियंतु, नमस्कार।